लाइव आ जाओ भाई, फटाफट लाइव आ जाओ बच्चों। लाइव आ जाओ भाई फटाफट। चलो चीजों को स्टार्ट करते हैं, और चीजों को स्टार्ट करते हैं भाई। चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भाई रेस्ट एंड मोशन के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भाई रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए और फिर चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। क्रैक सीडीएस, एफकैट एंड सीएपीएफ इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। द ऑल यू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एसेस अनलिमिटेड एंड लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। नाउ दिस इज गौरव सिंह एंड आई हैव मोर देन 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। आई क्वालिफाइड एनडीए, सीडीएस एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज। आई हैव कीन इंटरेस्ट इन टीचिंग एंड गिवन मोर देन 500+ सिलेक्शन बेस्ड गवर्नमेंट एग्जाम। नाउ आई टीच साइंस ऑन दिस चैनल। बात अगर हम करें डिफेंस एग्जाम इन 10 कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी में बच्चे आपको 10 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियोज मिलती हैं, जो कि अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं, तो इसको आप जाकर जरूर देखें। आपको अन अकेडमी पे क्या चीज़ें मिलती हैं बच्चे? आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एसेस। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चे यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। आप अपने टाइम के हिसाब से, आप टाइम सुटेबिलिटी के हिसाब से आप अपनी क्लास को कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। बात अगर हम करें बच्चे अन अकेडमी लर्निंग ऐप की, तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंडियाज का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसका कोड है GS01, ठीक है। ये मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है, 10% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा इस कोड के द्वारा। तो इस कोड, इससे ऐप को आप जरूर इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद आप इस कोड का इस्तेमाल करके आप स्पेशल 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में एक ग्रुप बना है डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट से, तो आप ऐप को डाउनलोड करके और डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें। बात अगर हम करें भाई सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ की सब्सक्रिप्शन की, तो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है भाई, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 7,920 रुपये का है, और जो 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 11,520 रुपये का है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बस GS01 याद रखना है भाई। इस कोड का यूज़ करके आप स्पेशल 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं अपनी फीस में, अपने जितने भी फीस हैं सारी चीज़ों में आप अपना 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है रेस्ट एंड मोशन, विराम तथा गति। और ये जो टॉपिक है वो मैं पूरी तरीके से आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूँ जैसे बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोर्ड पे चीज़ों को पढ़ाता हूँ उसी तरीके से पढ़ाऊँगा। तो मैंने इसमें कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है, आपको सिंपली मैं पूरी तरीके से बोर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि ये फिजिक्स का पहला टॉपिक है, और फिजिक्स में आपको पता है चीज़ों का कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, थ्योरी इतनी जरूरी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चे। तो अगर मैं बात करूं भाई रेस्ट और मोशन के बीच के डिफरेंस की, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं कि रेस्ट का मतलब क्या होता है, विराम होता है। रेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, विराम होता है रेस्ट का मतलब, ठीक है। तो विराम की अगर मैं बात करूँ, जो विराम अवस्था है,
विराम अवस्था का मतलब क्या है? विराम अवस्था का मतलब क्या है? चीजें रुकी हुई हैं? बिल्कुल नहीं भाई, विराम अवस्था का मतलब है कि अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही है तो विराम अवस्था है। जैसे एक बॉडी ये है, एक बॉडी है, इसमें एक बंदा बैठा है और ये 50 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और एक बस ये है, ठीक है, इसमें भी एक बंदा बैठा है, बिल्कुल आजू बाजू में दोनों बसें चल रही हैं, ये भी 50 की स्पीड में चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा भाई? जो ये वाला पर्सन है बच्चे, जो ये वाला पर्सन है, जो बच्चे ये वाला पर्सन है और ये वाला पर्सन है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? रेस्ट में होंगे। जैसे आप कभी भी ट्रेन में बैठ के जाओ तो ट्रेन में अगर दो ट्रेन एक दूसरे के समानांतर चढ़ती हैं, ठीक है, चाहे वो कितनी भी स्पीड से चलें, तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें क्या हैं? रेस्ट में हैं। मतलब वो भी ट्रेन रुकी हुई है और ये वाली भी ट्रेन रुकी हुई है। तो इस तरीके से सारी चीजें हमें बच्चे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है अगर कोई वस्तु अपने अपने प्रकृति के सापेक्ष, मतलब अपने जो सराउंडिंग है, जो उसकी बच्चे सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? वो वस्तु रेस्ट में है, ठीक है। जैसे अगर कोई भाई, अगर कोई वस्तु हमें, अगर कोई बच्चे हमें कहाँ से देख रहा है? अंतरिक्ष से। अगर हमें कोई देख रहा है, अगर कोई हमें कहाँ से देख रहा है बच्चे? अंतरिक्ष से देख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या है? रुके हुए नहीं है, उसके लिए हम मोशन में हैं। लेकिन पृथ्वी वासियों के लिए हम क्या है भाई? रुके हुए हैं। अगर मान लो दो बंदे एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे भाई? हम मोशन में नहीं, हम रेस्ट में। लेकिन अगर उन्हीं दोनों बंदों को कोई पृथ्वी के बाहर से देख रहा है, क्योंकि पृथ्वी तो मूव कर रही है ना, तो वो उसके लिए क्या होंगे भाई? मोशन में होंगे। तो ये सारी बातें रेस्ट और मोशन की जो होती है सापेक्ष के रूप में काम करती हैं। तो अगर प्रकृति के सापेक्ष चीजें मूव कर रही हैं, गति अवस्था में हैं, तो वस्तु मोशन में होती है, गति अवस्था में होती है, और नहीं मूव कर रही हैं तो वस्तु जो है वो रेस्ट में होती है, ठीक है भाई। वस्तु किस में होती है भाई? रेस्ट में होती है, ठीक है बच्चे। बात आई समझ में आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं बच्चे, ये सारी बातें हैं। अब मैं आपको चीजों को और आगे लेकर चलता हूं। तो ये थी बातें रेस्ट की बच्चे, ठीक है, रेस्ट और मोशन की मैंने बातें करी। तो देखो भाई, अगर कोई वस्तु बच्चे, अगर कोई वस्तु किसमें है? गति अवस्था में होती है। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में होती है, ठीक है, तो वो कुछ दूरी तय करेगी। वो कुछ क्या तय करेगी भाई? दूरी तय करेगी। उसकी कुछ चाल होगी, चाल का मतलब स्पीड होता है, दूरी का मतलब क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है, और उसका कुछ समय होगा, उसका कुछ टाइम होगा, ठीक है। तो जो दूरी है बच्चे, जो दूरी है, जो डिस्टेंस है बच्चे, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? तो पहले डिस्टेंस को समझते हैं, फिर स्पीड को समझेंगे और फिर टाइम को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो देखो भाई, एक होता है डिस्टेंस, देखो भाई, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ बच्चे डिस्टेंस की, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ बच्चे डिस्टेंस की, और दूसरा है बच्चे डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा क्या बच्चे? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को हम बोलते हैं भाई दूरी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं भाई? विस्थापन बोलते हैं। तो दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? दूरी और विस्थापन में भाई क्या अंतर है, क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या डिफरेंस है? तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई? डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चे कि तय की गई लंबाई। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? तय की गई लंबाई। जितनी लंबाई तय की गई है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं।
और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही लंबाई है, दोनों ही लेंथ है, डिस्टेंस भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, ठीक है, ये भी क्या है बच्चे, लेंथ है, ठीक है। तो दोनों ही क्या होती है भाई, लेंथ होती हैं। तो डिस्टेंस का मतलब होता है तय की गई लंबाई और विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर और इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है भाई। दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चे, मीटर होता है, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है बच्चे, ये सारी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो तय की गई लंबाई है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट है, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो दूरी को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दूरी को मापने के लिए हम यूज करते हैं बच्चे ओडोमीटर। आपने गाड़ी में देखा होगा, जो जैसे कोई भी व्हीकल लेते हैं तो देखते हैं ना कितने किलोमीटर चली हुई, सेकंड हैंड व्हीकल लो आप किसी भी व्हीकल में देखो तो उसमें बता देता है कितने किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। तो जो किलोमीटर को मापती है उसे हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, ओडोमीटर। ओडीओ से क्या आ गया भाई, ओडो का मतलब होता है डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं, आपको चीजें और अच्छी समझ में आ जाएंगी। कुछ क्वेश्चन देखें भाई, कुछ क्वेश्चन देखते हैं भाई, तो आपको चीजें और अच्छी समझ में आ जाएंगी। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट जो है बी है, तो ए और बी के जो बीच की लंबाई है वो कितनी है, हमने मान लिया बच्चे 500 मीटर है। कितनी है भाई, 500 मीटर है, ठीक है। तो ए और बी के बीच की लंबाई 500 मीटर है, तो यहां से दो बातें निकल कर आती हैं, यहां से दो बातें निकल कर आती हैं कि दूरी कितनी होगी, यहां से दो बातें निकल कर आती हैं भाई, दूरी कितनी होगी, ए से बी के बीच की कितनी दूरी होगी। तो दूरी कितनी होगी भाई, 500 मीटर होगी, दूरी कितनी होगी भाई, 500 मीटर। दूसरा होता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो विस्थापन कितना होगा भाई, विस्थापन भी 500 मीटर होगा, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन का मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन। तो यहां से एक बात समझ में आनी चाहिए आपको, यहां से एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर अगर जो आपका मोशन हो रहा है, अगर जो मोशन है बच्चे, जो मोशन है वो कैसे हो रहा है बच्चे, स्ट्रेट स्ट्रेट लीनियर मोशन है। अगर मोशन कैसा है बच्चे, स्ट्रेट लीनियर मोशन है, ठीक है, एक लीनियर मोशन हो रहा है, मतलब एक रेखीय चाल हो रही है, तो उस कंडीशन में दूरी विस्थापन के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो अगर स्ट्रेट लीनियर मोशन हो रहा है तो उस कंडीशन में दूरी जो होता है बच्चे, विस्थापन के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें हैं बच्चे, ये सारी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने दूरी और विस्थापन का एक बताया, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर मान लो सर्कुलर पाथ है, इस तरह का पाथ है ऐसा, और हमने चलना कहाँ से प्रारंभ किया बच्चे, ए से, और फिर घूम के हमने ऐसे घूमा 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 और फिर खत्म भी कर दिया कहाँ, आपके ए पे। और ये जो पूरा ट्रैक है वो मान लो आप 400 मीटर का है, कितना है, 400 मीटर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस कंडीशन में जो दूरी है वो कितनी होगी। तो दूरी का मतलब क्या होता है भाई, तय की गई लंबाई। तो दूरी कितनी होगी भाई, 400 मीटर होगी, ठीक है। इस कंडीशन में विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे हम शॉर्टेस्ट क्या कहते हैं बच्चे, विस्थापन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो यहां से घूम के हम ऐसे आगे भाई, पूरा ऐसे कंप्लीट पाथ हमने कवर कर लिया, ठीक
ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है बच्चे, एक ही है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है बच्चे, एक ही है। ठीक है, तो इससे आपको पता लगना चाहिए, इससे आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए कि जो विस्थापन है, जो बच्चे विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, जीरो है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखो, एक एग्जाम्पल और देखो भाई, जैसे जैसे ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल, कितना बच्चे, 90 डिग्री का ये एंगल है। ठीक है, तो ये मान लिया हमने 5 5 किलोमीटर की लंबाई है, ये मान लिया हमने 3 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, और ये मान लिया हमने, ये कुछ नहीं माना, ये कुछ नहीं माना हमने, ये कुछ नहीं माना बच्चे। ठीक है, तो मान लो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, डिस्टेंस अलग कर रहा हूँ। ये मान लो हमने बच्चे, ये मान लिया बी से सी के बीच की, ये कुछ नहीं है, ये पता नहीं हमें, इसे दोबारा बताता हूँ मैं। देखो भाई, दोबारा देख लो, बेसिकली है क्या चीज, जैसे कोई लड़का पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और चलते हुए बी पर जाता है। ठीक है, ये दूरी तय करता है 4 किलोमीटर, फिर ये अपने बाएं तरफ मुड़ जाता है और फिर चलना स्टार्ट करता है बच्चे, फिर बाएं तरफ मुड़ के फिर चलना स्टार्ट करता है, और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये है 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ए से सी पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करी उस लड़के ने, ए से सी पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करी, कितनी दूरी तय करी भाई, 4 प्लस 3, कितनी दूरी तय करी, 4 प्लस 3 7 किलोमीटर की दूरी तय करी। लेकिन अगर कोई पूछे ए से सी तक का विस्थापन क्या होगा, तो आप क्या निकालोगे, शॉर्टेस्ट पाथ निकालोगे। शॉर्टेस्ट पाथ क्या भाई, ए से सी तक का, ए से सी को क्या कर दो बच्चे, आप मिला दो। ठीक है, तो 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो जाएगा। तो विस्थापन कितना हो जाएगा बच्चे, इसका विस्थापन कितना हो जाएगा भाई, 5 किलोमीटर हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल आकाश वर्मा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये विस्थापन कितना हो जाएगा, 5। तो मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो भाई, तो आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं बच्चे, तो देखते हैं अब आगे की कहानी देखते हैं। तो आगे की कहानी क्या, मैंने आपको दूरी और विस्थापन में अंतर बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बच्चे स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। इसमें बच्चे स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं चाल और इसे हम बोलते हैं वेग। चाल और वेग में क्या अंतर है, तो चाल जो है, जो स्पीड है, स्पीड बराबर होता है भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये स्पीड है। और वेग बराबर, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, क्या होता है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो इसमें ये चाल जो होता है बच्चे, दूरी बटा समय। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। मैं कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा हूँ सर, मैं आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ बच्चे ठीक है, तो आईबीपीएस तो सर, बच्चे आईबीपीएस तो बैंकिंग का होता है। ठीक है, तो आपको पता नहीं है क्या, बैंकिंग में बच्चे साइंस नहीं आती है, बैंकिंग में बच्चे साइंस नहीं आती है। अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें साइंस आती है। ठीक है,
ठीक है आकाश, अगर आप रेलवे या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें साइंस आती है भरपूर मात्रा में। ये पहले बताओ आप कर रहे हो कि नहीं, एसएससी या रेलवे में से प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं, या और भी किसी चीज को। बस बैंकिंग में साइंस नहीं आती, बाकी सब में साइंस आती है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, बैंकिंग में साइंस नहीं आती, बाकी सब में साइंस आती है। तो ये बताओ भाई, आप और सब में प्रिपरेशन कर रहे हो कि सिर्फ बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अच्छा, सिर्फ बैंकिंग की कर रहे हो, सिर्फ बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो। बताओ भाई, सिर्फ बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे? हाँ, टाइम और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्वांट में है। हाँ बिल्कुल है भाई, क्वांट में बच्चे, साइंस की क्लास है, मैथ की नहीं है। आपने टैग नहीं पढ़ा क्या? रेस्ट एंड मोशन, फिजिक्स, जनरल साइंस, है ना? साइंस की क्लास है बच्चे, फिजिक्स की क्लास है, साइंस की क्लास है, ठीक है। और आज थोड़ा रात में ले रहा हूँ क्लास में, तो वैसे तो 9 बजे क्लास होती है मेरी इस पे। तो ठीक है भाई, साइंस ही पढ़ लो, क्या दिक्कत है। हालांकि जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं अभी बच्चे पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। वो आपको मैथ का कॉन्सेप्ट ही दूंगा मैं। संजय कुमार पटेल, हाय। और बच्चे कैसे हैं भाई? अरे हाय ही लिखते जाओगे, ये बताओ कैसे है? हाय लिखोगे, कुछ बोलोगे भी है? अभी भी लगे ही पड़े हो हाय लिखने में। ठीक है आकाश, आई एम कृतार्थ, कृतार्थ, कृतार्थ क्या नाम है भाई? कृतार्थ नाम है, दूसरे की आईडी से चला रहे हो क्या यूट्यूब? अच्छा, मॉक टेस्ट दिया था किस चीज का बच्चे? बताओ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, किस चीज का मॉक टेस्ट दिया था आपने? अच्छा, सोचा यूट्यूब चेक कर लूँ। अच्छा बच्चे, आईबीपीएस का मॉक टेस्ट दिया था। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आकाश वर्मा, वर्मा जी आपको एक बात हम बताना चाहते हैं। बात ये है, इस बात को थोड़ा गौर से सुनना, अभी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले आपकी बात ही कर लेते हैं। आप बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपका कोर्स 50% कवर हो गया है, अगर आपका कोर्स कितना परसेंट कवर हो गया बच्चे? 50% कवर हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं भाई, संजय कुमार पटेल। हाँ, पता है बच्चे, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, पहले सोचो, एक बात बता रहा हूँ। तो अगर नेक्स्ट मंथ या उससे अगले मंथ एग्जाम है, तो आप देखें भाई, आपका कोर्स 50 के, आपका कोर्स इस टाइम पे तो 80% तक कवर होना चाहिए, 80% तक बच्चे कोर्स कवर होना चाहिए। अगर कोर्स कवर नहीं है तो आपकी दिक्कत है भाई, दिक्कत होने वाली है आपको एग्जाम में, बिल्कुल मैं आपको फ्रैंक बोल रहा हूँ। तो अगर आपका कोर्स 50% कवर हो गया है, तो आप डेली जैसे खाना खाते हो रोज, उसी हिसाब से डेली आप एक मॉक टेस्ट दें। एक क्या दें बच्चे? एक मॉक टेस्ट आपको देना ही चाहिए। और साथ के साथ एक और बात मैं बता देता हूँ, जो भी आप बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये हर एग्जाम का एक सूत्र बता रहा हूँ मैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक मॉक टेस्ट देने के बाद उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें कि उसमें क्या क्वेश्चन नए आए जो मुझे नहीं आते थे। तो एनालिसिस जरूर करें, और उसमें जो चीज़ आप नई सीखते हैं, न्यू सीखते हैं, उसको एक कॉपी में एज अ नोट्स बना लें, ठीक
है। तो जब आप इस तरीके से चीजों को आप करेंगे और 1-2 महीने जब चीजों करेंगे, तो 2 महीने बाद जो आपकी कॉपी बनेगी ना, वो एक क्या बन जाएगी भाई, एक रामबाण बन जाएगी आपकी कॉपी। आपको अब एग्जाम में सिर्फ वो कॉपी पढ़ के जाने की जरूरत है, फालतू की बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चे तैयारी होती है। आगे बात समझ में भाई, आकाश वर्मा जी, आपको बात समझ में आई कि नहीं? क्या बोल रहे हो भाई? सर डू यू नो RMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज? हाँ बिल्कुल। हाँ स्पीड नहीं आ रहा है, स्पीड देखो बच्चे कब आएगा। दो बातें हैं बच्चे, दो बातें हैं स्पीड लाने के लिए। देखो भाई दो बातें हैं, मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ कि स्पीड कब आएगा, ये चीज़ थोड़ा समझो। स्पीड बच्चे जब आता है, स्पीड जब आती है आपकी एग्जाम में या जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें स्पीड जब आएगी, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। स्पीड ना आने का एक ही मतलब है, एक मतलब तो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, मतलब आप जो सवाल करते हैं तो आप उसमें फंस जाते हैं, आपके डाउट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक बार ही या दो बार आप सवाल पढ़ के चीजों को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है भाई, चीजों को आप समझ नहीं पाते हैं तो डाउट की वजह से। दूसरा क्या है, दूसरा दूसरा ये रीजन है कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना, और दूसरा रीजन है कि आप डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। मतलब आपने मान लो अपना 70 से 80% कोर्स कंप्लीट कर लिया है, मान लो बैंकिंग का, ठीक है। तो इतना करने के बाद भी आप डेली मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आप डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस करना बच्चे जरूरी है, ठीक है। जब आप 4-5 मॉक टेस्ट लगाते हैं, हर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हो, आपको समझ में आने लगता है कि मेरा किस टॉपिक में वीक पॉइंट है। जैसे मान लो आप एक मैथ का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और उसमें आपको हर टॉपिक में जो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है वो फंस रहा है, फॉर एग्जाम्पल हर टॉपिक में आपको टाइम एंड डिस्टेंस फंस रहा है, या आप रीजनिंग लगा रहे हैं और रीजनिंग में हर टॉपिक में आपको मान लो इनइक्वालिटी फंस रही है। हालांकि बहुत आसान टॉपिक होता है इनइक्वालिटी रीजनिंग का, ठीक है, इनइक्वालिटी फंस रही है, ठीक है, ठीक है भाई। संजय कुमार पटेल, आपको अभी जवाब दे रहा हूं मैं, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए बच्चे, मैं आपको अभी जवाब देता हूँ, ठीक है। एक बार इस बच्चे का जवाब क्लियर करने दो, ठीक है। तो आकाश वर्मा अर्थमेटिक क्लियर नहीं हो रहा, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। तो मैं अभी जो चीज़ बता रहा हूँ वो सुनते रहो पहले। तो जैसे आपको मान लो टाइम एंड डिस्टेंस फंस रहा है, या रीजनिंग आप कर रहे हैं आप इनइक्वालिटी फंस रही है, आप जब 3-4 मॉक टेस्ट बच्चे करेंगे, आप जब 3-4 मॉक टेस्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक वीक है, ठीक है। तो जब आपको वो टॉपिक वीक लगने लगे, तो आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को दोबारा से किताब में से पढ़ना है, आप जहां से भी आपने नोट्स बना रखे हैं वो सारी चीजें दोबारा से बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है, जीरो से हीरो लेवल तक की पढ़नी है, फिर आप मॉक टेस्ट लगाएं, फिर आप बच्चे क्या करें आप मॉक टेस्ट लगाएं। तो जो जो चीजें डाउट हैं, जिस जिस टॉपिक में डाउट है, उस चीज को अलग से पढ़ें, ठीक है, बार बार उसे पढ़ें, तब आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो दो वजह से आपकी स्पीड नहीं आती, या तो आपका जो आपने जो टॉपिक पढ़ा है, जो चीजें कवर की हैं, वो आपने ऊपर ऊपर से पढ़ ली है, तो ऊपर ऊपर से तो एग्जाम में नहीं आता है। तो आपको अपने टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर करने पड़ेंगे। और आपको पता कैसे लगे कि मेरे टॉपिक अच्छे तरह से क्लियर है कि नहीं, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसमें नंबर अच्छे स्कोर आ रहे हैं, जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अगर उसमें आप 60 से 70% भी स्कोर कर रहे हैं, तो आप समझ लो आप सही दिशा में जा रहे हो, ठीक है। और डेली मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें कि उसमें मेरी गलती कहाँ हो रही है, बार बार कौन से क्वेश्चन में मैं बार बार फंस रहा हूँ, उस चीज को आप ध्यान दें। अर्थमैटिक बच्चे, बैंकिंग में तो सर अर्थमैटिक ही आती है, हाँ 100 क्वेश्चन होते हैं, 50 से 55 आ रहा है। वर्मा जी हो तो जनरल ही होगे, हैं? अगर जनरल हो बच्चे, अगर बच्चे आप जनरल हो तो 50 से 55 में कुछ नहीं होने वाला, मैं बिल्कुल सटीक बोलता हूँ, खरी बात बोलता हूँ, ठीक है। आपका 50 से 55 नंबर में आपका कुछ नहीं होने वाला, एक कुछ भी नहीं होने वाला, मतलब आपका, ठीक है, आपका प्री नहीं निकलेगा, मेंस की तो बात ही छोड़ो, हाँ ठीक है। तो कुछ नहीं होने वाला बच्चे, अगर 100 में से 50 से 55 नंबर ला रहे हो IBPS क्लर्क जैसे एग्जाम में, इतना तो बच्चे PO में मार देते हैं, ठीक है भाई।
इतना तो बच्चे पीओ में मार देते हैं 50 से 55। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कम से कम आपके होने चाहिए, मैं बोल रहा हूँ 60 से 70% आज की तारीख में होने चाहिए। अगर आप जनरल हैं तो आप थोड़ा सा चीज़ों को अच्छी तरीके से करें, ठीक है, कोशिश करें कि 70 मतलब 65 से 70 या उससे ऊपर ही, मतलब 75 तक लेके जाएं। ठीक है, 75 तक लेके जाएं। आगे बात समझ में, मैंने भी, मैं आपका एक अपना एक्सपीरियंस बनाता हूँ, बताता हूँ बच्चे। अरे मैं संजय आपको जवाब दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बच्चे, 1 मिनट रुक जाओ, एक 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 करके चीज़ों का मैं बता रहा हूँ ना, 1 मिनट तो रुको तुम। ठीक है, आपके लिए भी तो ज़रूरी है ये मैं जो बता रहा हूँ, आपके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठो, स्ट्रेटजी तो यही होगी, पढ़ने का तरीका तो यही होना चाहिए ना। ठीक है संजय, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैं क्या था भाई, मैंने बैंक का एग्ज़ाम निकाला था, IBPS का मैंने एग्ज़ाम निकाला था बच्चे, IBPS क्लर्क का। ठीक है, मैं था PNB बैंक में। ठीक है, किसमें था भाई, मैं PNB में था। आज से कम बात हो गई है, कम से कम आप मान लो 2014 की बात है, 2014 की बात है। ठीक है, 2014 की बात है बच्चे, IBPS क्लर्क PNB। ठीक है, तो उस टाइम 2014 के आसपास जो था टाइम, उस टाइम बच्चे कट ऑफ कम जाती थी बैंक की, मतलब अगर आप 50 से 55 नंबर ला रहे हो इजिली आपका हो जाता, मतलब आंख बंद करके आपका प्री क्लियर। ठीक है, आज का जो टाइम है बच्चे, इतना ज़्यादा कंपटीशन है चीज़ों को लेकर, आपको पता ही होगा क्या क्या कट ऑफ जाती है, ऐसे ऐसे धुरंधर बच्चे मैंने देखे हैं, हालांकि मैं और भी जगह पढ़ाता हूँ, तो ऐसे धुरंधर बच्चे देखे हैं जिनके जो 96 नंबर लेके आते हैं क्लर्क के एग्जाम में, 100 में से 96, आप यकीन कर सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि उनकी एक्यूरेसी क्या होगी, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर मार दिया। ठीक है, 60 मिनट में अगर कोई 96 क्वेश्चन तक ला रहा है नंबर, तो आप समझ सकते हैं ना उनकी एक्यूरेसी क्या होगी उस बच्चे की। ठीक है, तो 96 नंबर तक अगर कोई बच्चा ला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना पढ़ा है। ठीक है, तो कट ऑफ ऊपर जाती है, तो आपको चीज़ें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखो आज के टाइम पे आपको नौकरी ऐसे नहीं मिलती है, आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। ठीक है, हालांकि मैंने अब ये नौकरी छोड़ दी है, मैं नहीं हूं, मैं ये नौकरी मैं छोड़ चुका हूँ। ठीक है, हालांकि नाउ आई एम टीचर, अभी मैं फिलहाल टीचर ही हूँ, टीचिंग की नौकरी करता हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में, हाँ आप बोलो भाई, आप बोलो संजय कुमार पटेल, कुमार जी आप, तुम्हारे क्या क्या डाउट हैं, तुम बहुत बहुत लग रहा है हड़बड़ाहट में हो, है ना। देखो भाई कुमार जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कुमार जी, सर कैन यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल और RIMC। बच्चे मैं इस चैनल पे पढ़ाता हूँ, इस चैनल पे बच्चे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, इस चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ और आपको मैं फिलहाल साइंस पढ़ाता हूँ। ठीक है भाई संजय कुमार, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मिलिट्री वाले जो कॉलेज है उसमें भी साइंस आती है, उसके एंट्रेंस के लिए क्या आती है भाई, साइंस आती है, तो आप यहाँ से इजिली पढ़ सकते हैं। प्रॉपर मैं RIMC का कोई बैच नहीं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी प्रॉपर इसका बैच लेके नहीं आऊँगा। ठीक है बच्चे, प्रॉपर मैं RIMC का कोई भी बैच लेके नहीं आऊँगा। ठीक है भाई, तो मैं जो साइंस पढ़ाता हूँ आपको, मैं जो साइंस पढ़ाता हूँ वो UPSC लेवल के पढ़ाता हूँ, तो अगर आपने इस UPSC लेवल को बच्चे साइंस पढ़ लिया, तो आपकी चीज़ें आराम से इजिली क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, आपकी चीज़ें इजिली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपकी बाकी मर्जी है। हाँ मैं बात करूँगा भाई, बात करेंगे, आप मेरा नंबर लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना और मैं देखते हैं, आपके लिए भी कुछ अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बच्चे, 7982816754। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, फ़ोन नहीं आएगा इस पर, सिर्फ मैसेज ही हो सकता है। ठीक है भाई,
7982816754, तो सिर्फ मैसेज हो सकता है, फोन नहीं आएगा। ठीक है आकाश, तुमको बात समझ में आई? संजय, दोनों को बात समझ में आई ना मेरी? आकाश तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं है बताओ तुम? आकाश तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, तो मैं चीजों को आगे लेकर चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चे, योर वेलकम, थैंक यू। ठीक है तो ये सारी चीजें हैं बच्चे, ये सारी चीजें हैं, तब आगे लेके चलते हैं बच्चे चीजों को। मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि डिस्टेंस में मतलब स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सर अर्थमेटिक में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो बच्चे अर्थमेटिक ही मतलब अगर आप आपको अर्थमेटिक ही क्लियर नहीं हो रही है तो बैंकिंग के एग्जाम में तो सिर्फ अर्थमेटिक आती है, मैथ में तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है आपका अर्थमेटिक ही तो आता है, 35 नंबर की रीजनिंग, 35 की आपकी मैथ और 30 की इंग्लिश, तो यही तो आता है ना। तो अर्थमेटिक के लिए आप चीज़ों को करें, रिविजन करें, बार बार चीज़ों को पढ़ें। आपने कहीं से कोचिंग ली है भाई? कोचिंग ली है आपने कहीं से? आकाश वर्मा कोचिंग ली है कहीं से? कोचिंग ली है बच्चे मैथ्स वगैरह की या बैंकिंग की ली है तो बताओ, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, तरीका बताता हूँ मैं कैसे करना है। और नहीं ली है तो बताओ? अच्छा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है। अभी अभी आपकी ग्रेजुएशन हुई है क्या? अभी रिसेंट में हुई है क्या आपकी ग्रेजुएशन? रिसेंट में हुई है क्या बच्चे आपकी ग्रेजुएशन? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे ठीक है। अच्छा अन अकेडमी पे ले रहे हो क्या कोचिंग? पेड बैच ले रहे हो कि ऐसी ले रहे हो? अन अकेडमी पे ले रहे हो, पेड बैच ले रहे हो कि फ्री क्लासेस ले रहे हो? अच्छा पेड ले रहे हो, ठीक है पेड ले रहे हो, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बच्चे तो देखो भाई वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे टीचर हैं क्योंकि मैं खुद अन अकेडमी पे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है और ये जो चैनल है जिस पे मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये भी अन अकेडमी का ही चैनल है, डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट। ये अन अकेडमी के लिए डिफेंस एग्जाम के लिए स्पेशली बनाया गया है, स्पेशली फॉर द डिफेंस एग्जाम। ठीक है तो आकाश वर्मा 2 मंथ पहले स्टार्ट किया था, कोई बात नहीं 2 मंथ ही स्टार्ट हुआ है भाई, तो 2 मंथ में तो आप धुरंधर नहीं बन सकते हो। ठीक है 2 मंथ में तो आप कभी भी धुरंधर नहीं बन सकते। मैं बिल्कुल जो बात मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल फ्रैंक बता रहा हूँ, मैं ये कह दूँ कि आपका 6 महीने में एग्जाम निकल जाएगा तो ऐसा नहीं है भाई, सिंपल बात नो बकवास। ठीक है 2 महीने में आप धुरंधर नहीं बन सकते हो। देखो अगर आप, अब मुझे नहीं पता आप कैसे स्टूडेंट हो, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जैसा कि आप कह रहे हो कि मुझे अर्थमेटिक समझ में नहीं आ रही है, तो आपको कम से कम बच्चे 1 साल लगने वाला है तैयारी करने में, कम से कम मैं बता रहा हूँ। अगर आप मन से रोज अपना टाइम डिवोट करें तो 1 साल आपको लगेगा। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट का मतलब आपको मैथ्स आती है पहले से ही, चीज़ों को समझ है और इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 5 महीने की तैयारी में आप इजिली बैंक का एग्जाम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफेंस में भी जाना चाहते हो भाई, तो डिफेंस में जाने के लिए देखो भाई अभी जो मैं बैच चला रहा हूँ, ये जो डिफेंस एग्जाम का बैच है ये फॉर द CDS, FCAT और CAPF। CAPF होता है असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट का होता है, FCAT एयरफोर्स का होता है, CDS आपको पता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हैं, इसी का बैच ये चल रहा है यहाँ पर। ठीक है तो अभी YouTube पे यहाँ पे फ्री क्लासेज हैं, कुछ क्लासेज पेड होंगी। ठीक है पेड क्लासेज हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई ये मैं देखो बता देता हूँ आपको, ये है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मतलब सीरियसली देखो करना चाहते हैं
ठीक है, देखो फ्री में तो आजकल कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, तो आप पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। पहले आप क्या कर लें, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आप जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको हल्का फुल्के चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी, है ना। हल्का फुल्का आप करंट अफेयर भी पढ़ ही रहे होंगे, करंट अफेयर पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। अगर और अभी नहीं करना, तो आप 1 महीना और ले लें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। और डिफेंस के लिए अगर सीरियस हैं, अगर सीरियस हैं, देखो भाई तैयारी बच्चे लाख है, 2 लाख, 10 10, 20 20 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और रेलवे वगैरह का फॉर्म आता है तो भाई 1 1 करोड़, 2 2 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो अगर आप सच में सीरियस हैं तो तैयारी को ढंग से करें, क्योंकि तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि 1 साल पहले हम फ्री मतलब इंडिपेंडेंट ऐसी कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं। एक रेगुलरिटी जो बहुत जरूरी है। आप डेली आप जब से 5 से 6 घंटे चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, तो आपकी चीज़ें बच्चे बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। तो अनअकैडमी सबसे सस्ता है। आप बाकी अपने भी लेवल पे चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन में अपने भी लेवल पे आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि अनअकैडमी जितनी चीज़ें और किस प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, ठीक है। तो देखो भाई अनअकैडमी पे जो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है डिफेंस के लिए, फॉर दिस एग्जाम, इन तीनों के लिए, वो है बच्चे 7,920 रुपये का बस। और 24 महीने का लोगे तो और सस्ता हो जाएगा, 11,520 का है, ठीक है। इसमें भी ये लास्ट फीस नहीं है। इसमें भी अगर आप कोड यूज़ करते हैं GS01, ये कोड याद करना, ये लिखे नीचे लिखा भाई कोड है, ये रेफरल कोड है, ठीक है। तो इसमें अगर ये यूज़ करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं आपको बस ये चीज़ बोलना चाहता हूँ बच्चे, कि आप सीरियस कितना है चीज़ों को लेकर। बाकी ये नहीं कह रहा कि मैं आप अनअकैडमी से ही कोचिंग लो या कहीं से भी लो आप, है ना। लेकिन आप जहाँ से भी लो, अगर आप सीरियस हैं चीज़ों को लेकर, तो आप वहाँ से पहले कंपेयर कर लो चीज़ों को, कि भाई टीचर कहाँ पे अच्छे हैं, कहाँ पे मुझे कंटेंट अच्छा मिल रहा है, कम कम वैल्यू में मुझे कहाँ पे ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, सारी चीज़ें मेरी कवर हो रही हैं कि नहीं कम चीज़ों में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप देख लें, और मैं तो यही कहूंगा कि आप तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। ग्रेजुएशन हो चुकी है, फिर एज निकलने में आपका टाइम नहीं लगेगा भाई। आपके पास तैयारी करने के लिए हद मार के 3 साल हैं, ठीक है। अगर 3 साल आपने मेहनत कर दी, तो आप इजिली किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बात आई भाई समझ में आकाश जी आपको? और अर्थमेटिक अगर आपसे नहीं होती है, अगर बच्चे आप अर्थमेटिक आपसे नहीं होती है, तो आपको चीज़ों को और तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। आप चीज़ों को पहले आसान चीज़ों को सीखना पड़ेगा, फिर हार्ड चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई मेहनत का बच्चे कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, मेहनत का बच्चे कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बात बस दिमाग में बिठा लो। आगे बात समझ में, आगे बात बच्चे समझ में? आकाश वर्मा, वर्मा जी बोलिए ठीक है। चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आगे बात समझ में, बस बात समझ में आनी चाहिए, आप लोग बस सेलेक्ट हो जाएं, उससे बड़ी बात क्या मेरे लिए, ठीक है। तो चलो भाई आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था, हाँ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको एक, तो वो कॉन्सेप्ट देखते चले। मैं बात कर रहा हूँ स्पीड की, चाल की। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब मैं एक कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ, देखो जैसे मान लो कोई स्पीड आपके पास दे रखा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड दे रखी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो वस्तु है 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी बच्चे, 50 किलोमीटर की, ठीक है। अगर आपको दे रखा है, अगर आपको दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, वो स्पीड भी हो सकती है और वेलोसिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है भाई, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 10 किलोमीटर। मतलब स्पीड कितनी भी ज्यादा दे दे, चाहे 10 दे दे या चाहे 50 दे दे, लेकिन जो टाइम है वो आप देख रहे हैं 1 ही घंटा है। तो आपको डेफिनेशन क्या याद रखनी है भाई, एकांक समय में यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। या यूनिट टाइम में जितनी बच्चे वेलोसिटी कवर होगी, यूनिट टाइम में जितनी वेलोसिटी कवर होगी उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना है कि जो नीचे वाली क्वांटिटी होती है, नीचे वाली जो बच्चे क्वांटिटी होती है, ये हमेशा किसको दिखाती है, यूनिट वैल्यू को दिखाती है,
एकांक मान को दिखाती है। नीचे वाली क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर है हमेशा एकांक मान को दिखाता है, ठीक है, किसको दिखाता है बच्चे, एकांक मान को दिखाता है, ठीक है भाई, समझ में आई कि नहीं बात। जो नीचे वाली क्वांटिटी होती है वो हमेशा किसको दिखाती है बच्चे, एकांक मान को, जो डिनोमिनेटर हमेशा यूनिट वैल्यू को दिखाता है। आप जैसे 1000 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दें तो उसका मतलब क्या है, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी या स्पीड जो है वो तय होगी। ये बात आई भाई समझ में, बात आ गई बच्चे समझ में कि नहीं। चलो ठीक है, ठीक है आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये बातें मुझे बतानी थी। अब देखो इसमें कुछ और बातें हैं, एकाध बातें कुछ और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एकाध बातें देखो भाई, एकाध बातें कुछ और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमेशा याद रखना, जो एक हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना हम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस अपॉन में टाइम का मतलब क्या है, इस डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब क्या है भाई, जो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब क्या होता है बच्चे, समय होता है, ठीक है। तो कभी भी आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी, जैसे मान लो आपको बच्चे ए से बी पर जाना है, ए से बी पर जाना है, ए से बी पर आप गए और आपने अपने दोस्त से कहा, ये मान लो आपका घर है, ये मान लो आपका घर है बच्चे, और ये आपका दोस्त का घर है या उसका घर है, ये किसका घर है भाई, उसका घर है, ठीक है भाई, ये किसका घर है बच्चे, उसका घर है, ठीक है। तो ठीक है भाई, कल बच्चे 9 बजे क्लास रहेगी, संजय कुमार पटेल 9 बजे रहेगी कल, ठीक है, 9 PM यूट्यूब पे 9 PM, ठीक है। बाकी आपको मैंने नंबर दे ही दिया है, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय भाई, बाय बाय, नाइस टू मीट यू, ठीक है। तो जैसे आपका घर है बच्चे और ये उसका घर है, तो आपने कहा कि यहाँ आप पहुंचे, यहाँ से आप यहाँ तक गए, और आपने क्या बोला, आपने बोला कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या बोला भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा हूँ। कोई बात नहीं बच्चे, सो जाओ, कोई बात नहीं, एंजॉय, ये भी क्लास खत्म ही होने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी कहीं स्पीड कम भी रही होगी या कहीं भी ज्यादा भी रही होगी, है ना। अरे भाई जब बाइक स्टार्ट करी होगी तब थोड़ी ना डायरेक्ट स्टार्ट करते ही 50 रही होगी, ठीक है, थोड़ी कम भी रही होगी, थोड़ी ज्यादा भी रही होगी, ठीक है, थोड़ी कम भी रही होगी बच्चे और थोड़ी ज्यादा भी रही होगी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है बच्चे, याद रखना, एवरेज स्पीड का। ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एवरेज स्पीड का, ठीक है भाई, ठीक है। 5 मिनट और, बस 5 मिनट और पढ़ाऊंगा बस, ठीक है। तो एक इसका फॉर्मूला होता है बच्चे एवरेज स्पीड का, ठीक है, एवरेज स्पीड का बच्चे फॉर्मूला होता है औसत, औसत चाल का यह फॉर्मूला होता है। तो हमेशा आप बचपन से पढ़ते आते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, लेकिन नहीं, ये प्रॉपर बच्चे स्पीड का फॉर्मूला नहीं है। हम पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर स्पीड नहीं निकाल सकते, ये जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, और एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कुल दूरी और बटे में कुल समय टोटल टाइम, ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और इसी तरीके से बच्चे, इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला यही होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है भाई। तो एवरेज डिस्प्लेस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें हैं। तो अब देखो भाई, चाहे स्पीड हो और चाहे वेलोसिटी हो, ठीक है भाई, तो इसमें अंतर क्या है, स्पीड जो है एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है दूरी पर, क्योंकि इसके फॉर्मूले में दूरी आता है, तो
तो ये एक प्रकार की कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चे, अदिश राशि है। और वेलोसिटी एक प्रकार की कैसी राशि है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चे, एक प्रकार की सदिश राशि है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है भाई। अच्छा, और दोनों की जो यूनिट होती है, स्पीड की ले लो या वेलोसिटी की ले लो, दोनों की यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकेंड। दोनों की ही यूनिट क्या होती है बच्चे, सेम होती है मीटर पर सेकेंड। दोनों की यूनिट क्या होती है बच्चे, मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है बच्चे, आज की क्लास में मैंने चार चीजें पढ़ाई हैं। एक तो पढ़ाया है डिस्टेंस, एक पढ़ाया है बच्चे डिस्प्लेसमेंट, एक पढ़ाया है वेलोसिटी और एक पढ़ाया स्पीड। ये चार टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये चार टॉपिक पढ़ाए हैं बच्चे, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, मीटर पर सेकंड। तो ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट होती है मीटर, और वेलोसिटी और स्पीड की मीटर होती है, ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। क्या होती है भाई, मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो एक और यूनिट याद देख लो, एक यूनिट कहते हैं, एक तो मैंने ऐसा यूनिट बताई, और एक होता है बच्चे डायमेंशनल यूनिट। क्या होता है बच्चे, डायमेंशनल यूनिट होता है, इसे हम बोलते हैं विमीय मान। क्या बोलते हैं बच्चे, विमीय मान बोलते हैं, या इसे विमा बोलते हैं, विमा बोलते हैं इसे, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं बच्चे, विमा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे क्या है, मान लो एक लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, लेंथ की लेंथ का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर, ठीक है। मान लो मास है, मास बोलते हैं द्रव्यमान को, हालांकि इस चैप्टर में मास का यूज नहीं होगा, जब मैं फोर्स पढ़ाऊंगा तो वहां यूज होता है। इसका एसआई मात्रक होता है बच्चे किलोग्राम, और एक होता है टाइम, टाइम का एसआई मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है। तो लेकिन जो जब हम इनका डायमेंशनल यूनिट लिखते हैं, विमीय मान लिखते हैं या विमा लिखते हैं, तो इनके जो पहले लेटर हैं, इनके जैसे लेंथ का पहला लेटर एल, मास का पहला लेटर एम, और टाइम का पहला लेटर क्या भाई, टी है। तो लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, मास को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और टाइम को डिनोट करते हैं टी से, ठीक है भाई। तो हमेशा किसी भी फॉर्मूले में अगर मान लो कहीं भी लिखा है किलोमीटर, किलोमीटर लिखा है या मीटर लिखा है या सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन अगर हम इसकी विमीय मान लिखेंगे, विमा लिखेंगे, तो विमा में अलग अलग नहीं है, विमा में बस एक ही डिनोमिनेशन है एल, विमा में बस एक से मतलब है एल से। हम आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है या मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर को हम, मीटर क्या है बच्चे, मीटर तो एक लेंथ है, मीटर क्या बच्चे, एक लेंथ है, एक लंबाई है, ठीक है। और लेंथ को डायमेंशनली हम कैसे लिखते हैं, एल से डिनोट करते हैं। सेकेंड है, सेकेंड को हम डायमेंशनली कैसे डिनोट करते हैं भाई, टी से डिनोट करते हैं। तो ये पर है, पर का मतलब बटे में, तो एल बाई टी। इसे हम जब इसको बच्चे ऊपर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, एल और टी की पावर माइनस वन चला जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, स्पीड की विमा हो गई, विमीय मात्रक हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इसको हम बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो m की पावर जीरो भी लगा देते हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया एल टी माइनस वन। देखो भाई, किसी की पावर अगर जीरो होती है, तो किसी की पावर अगर बच्चे जीरो है तो उसका मतलब वन है, ठीक है। और अगर यहाँ वन लिख देते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जनरली ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्पीड की विमीय मात्रा क्या हो गया, एम की पावर जीरो एल टी माइनस वन, एम की पावर जीरो एल टी माइनस वन। ये बात आई समझ में, बात आई भाई समझ में। और सेम ही वेलोसिटी की भी हो जाएगी, सेम ही क्या हो जाएगी भाई, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का भी मात्रा का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर एक लेंथ है, तो लेंथ की जगह एल, एस सेकंड का टाइम है, तो टाइम की जगह टी, ठीक है। इसको सही से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी का भी एल टी माइनस वन और स्पीड का भी क्या होता है बच्चे, एल टी माइनस वन होता है, ठीक है भाई। तो आज बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाई हैं, आज हार्ड चीजें नहीं पढ़ाई हैं, ठीक है। हार्ड भी चीज लेके आऊंगा, न्यूमेरिकल भी लेके आऊंगा। अभी कल भी मैं आपको थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कल भी थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल सीरीज भी लेके आएंगे जल्दी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी बच्चे, ठीक है। तो डिफेंस एग्जाम इन 10 की कैटेगरी है भाई, ठीक है। तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, डिफेंस एग्जाम इन 10 अलग चैनल है, डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट अलग चैनल है।
इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। कैसी वीडियो मिलती है बच्चे? रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, ठीक है भाई, रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है बच्चे, ठीक है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलती है, ठीक है। और कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकता है, क्योंकि क्लास में एंड करने जा रहा हूँ। और किसी का कोई डाउट है? क्योंकि भाई हमको भी सोना है, दिन में टाइम ही नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं 9 बजे लाइव आता हूँ, दिन में टाइम नहीं मिल पाया मुझे। बताओ भाई किसी का कोई डाउट है? सुशीला, सुनैना, डाउट है तो बताएं। क्या डाउट है भाई संजय? तुम्हारे बड़े डाउट हैं। चलो क्या डाउट है? नो डाउट, ठीक है भाई, ठीक है, फिर मिलते हैं भाई, कल ही मिलते हैं, अभी हम भी सोते हैं फिर। तो मैं आपको जाते जाते दोबारा बता देता हूँ कि अनअकैडमी ऐप पर भी मैं लाइव आता हूँ, ठीक है, लाइव आता हूँ बच्चे अनअकैडमी ऐप पर। आज नहीं था लाइव, ठीक है, बाकी रोज ही लाइव आते हैं अनअकैडमी ऐप पर। तो वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप पर जाके फॉलो कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है फॉलो करने का, ठीक है। तो आप इस चैनल को जिस पे आप पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, इसको सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, और अपने यूज़फुल कमेंट ज़रूर दिया करें बच्चे, यूज़फुल कमेंट बच्चे ज़रूर दें, ठीक है। और आपको अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पर, कोई भी सब्सक्रिप्शन, चाहे UGC नेट के लिए लेना हो, ठीक है भाई, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप DSSSB की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप KVS की तैयारी कर रहे हैं भाई, ठीक है, चाहे CTET की कर रहे हैं, STET की कर रहे हैं, UPTET की कर रहे हैं, UPSI की कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, इंडिया में जितने भी पेपर होते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो उन सबके कोर्सेज आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, और फिर रिकॉर्डेड क्लास भी आपको बहुत सारी मिल जाती हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो आप अनअकैडमी पर जरूर आएँ, और कई सारी क्लासेस पर फ्री है, तो वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी आके पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब चीज़ का चार्ज ही लगेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको पेड क्लासेस लेनी है तो GS01 इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें भाई, इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है। इसका यूज़ अगर करके आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है फीस में, जितनी भी फीस रहेगी उसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा GS01 कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है सर। टेक क्विज आल्सो, बिल्कुल भाई क्विज ही लेकर आऊँगा। अब जो अनअकैडमी में मेरी क्लास होगी कल, ठीक है, अब मैं टाइम नहीं क्लियर कर सकता, मैं सोच रहा हूँ कि 5 बजे रखूँ मैं, ठीक है, बाकी मैं अभी कन्फर्म नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको बता दूँ फिर आप कहोगे कि मिले नहीं सर 5 बजे आप, तो इसलिए कह रहा हूँ आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लें, आपको मैंने अपना नंबर दे दिया है, ठीक है, नंबर मैंने आपको बच्चे दे दिया है, तो वहाँ मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो फॉलो कर लोगे तो क्या होगा, जब भी मेरी लाइव क्लास होगी आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है संजय। तो ये सारी बातें बतानी थी, तो अब चलते हैं बच्चे, बहुत सारी बातें होंगी आपसे, तो चलते हैं, ठीक है भाई, चलो भाई, तो चलते हैं भाई। तो GS01 को जरूर इसको सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और जितने भी रिलेटिव हैं जो तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी पे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, तो उन सबको शेयर करें, उनका फ़ायदा हो, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है, चलो भाई तो चलते हैं। हाँ बिल्कुल, जल्दी ही मिलेंगे भाई, जल्दी ही मिलेंगे बच्चे, ठीक है, चलो बाय बाय।